बिग बॉस 18 के घर के अंदर नया टाइम गॉड टास्क के बाद बिग बॉस के मेकर्स ने खेला सबसे बड़ा खेल, एक ऐसा खेल जो है बिग बॉस के घर के अंदर खेला गया, जिसकी वजह से यहां पर फिर से दिग्विजय सिंह राठी और रजत दलाल के बीच में लड़ाई हो सकती है। जी हाँ, लड़ाई हो सकती है और साथ ही साथ यहाँ पर विवेंद्र सेना और दिग्विजय सिंह राठी की भी बड़ी लड़ाई हो सकती है। सारी की सारी बातें आप सभी दर्शकों को बताएंगे दोस्तों कि बिग बॉस के मेकर्स ने कैसे सबसे बड़ा खेल यहाँ पर खेला है दिग्विजय और रजत विवेंद्र के साथ। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। बिग बॉस 18 के घर के अंदर मेकर्स चाहते हैं कि दिग्विजय और रजत की लड़ाई हो जाए, दिग्विजय और विवेन की लड़ाई हो जाए, क्योंकि बिग बॉस के सारे पोल्स में, पॉपुलैरिटी पोल हो या फिर वोटिंग हो, सभी में यही तीन कंटेस्टेंट जो हैं वो आगे चल रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह राठी यहां पर उनका बहुत बड़ा फैंडम है और रजत का भी बहुत बड़ा फैंडम है। रजत के भी चाहने वाले हैं, दिग्विजय के भी चाहने वाले और विवेन के भी चाहने वाले हैं। रजत और विवेन की काफी अच्छी बन रही है और यहां पर दिग्विजय और रजत की बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन वो दोस्ती दरार में तब्दील हुई। लेकिन बीते एपिसोड में रजत मतलब पूरी तरह से दिग्विजय सिंह राठी को बहुत सारे जाल में जो है बिग बॉस के मेकर्स ने फंसाने की कोशिश की, लेकिन बिग बॉस के मेकर जितने भी जाल फेंक रहे थे वो सारे के सारे जाल को काटते हुए दिग्विजय सिंह राठी ने यहां पर बचा लिया रजत दलाल को, रजत दलाल को भी बचा लिया और चाहत को भी बचा लिया। और उन्होंने ये बात कही कि दो दिन से हमारी जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से मैं भाईचारा खत्म नहीं कर सकता, ये बात जो है उन्होंने बोली। अब बिग बॉस के मेकर्स की प्लानिंग प्लॉटिंग जो है अगेन फ्लॉप हो गई। दिग्विजय और रजत को यहां पर अलग करवाने के लिए, लड़ाई करवाने के लिए जो उन्होंने मतलब प्लान किया था, जो उन्होंने साजिश रची थी, उस साजिश में जो है वो फिर से नाकाम हो गए। अब इसके बाद बिग बॉस के मेकर्स ने सोचा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो इनके बीच में लड़ाई नहीं होगी, तो उन्होंने क्या किया, विवेंद्र सेना और जो हमारे रजत दलाल है उनको कन्फेशन रूम में बुलाया। कन्फेशन रूम में बुलाकर बिग बॉस के मेकर्स ने एक क्लिप जो है वो चला दी और वो क्लिप किसकी थी, वो क्लिप थी करणवीर मेहरा, दिग्विजय सिंह राठी और साथ ही साथ यहां पर पूरी तरह से शिल्पा शिरोडकर की थी, जहां पर शिल्पा शिरोडकर और करणवीर मेहरा दिग्विजय और रजत के इक्वेशन के बारे में सवाल करते हैं। अब यहां पर दिग्विजय साफ साफ तौर पर यह बात बोलते हैं कि हाँ दोस्ती है, भाईचारा थी, लेकिन मैंने उनसे दूरी बना ली, रजत से दूरी बना ली। वो इसलिए दूरी बना ली क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो अपने पर्सनल लाइफ में जिस तरह से हाइलाइटेड है मीडिया में, उसकी वजह से मुझे जो है कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़े, मतलब थ्रेट कॉल जो है मुझे ना आ जाए, इसीलिए यहां पर मैंने रजत से दूरी बना ली। अब वही सीक्रेट वीडियो रजत को दिखाया और वही सीक्रेट वीडियो विवेन को दिखाया। क्यों? क्योंकि रजत दलाल के दिल में दिग्विजय के लिए जो यहां पर प्यार है और साथ ही साथ जो भाईचारा है उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं और एक नई दुश्मनी की शुरुआत इन दोनों के बीच में करवाना चाहते हैं। तो ये चीज बिग बॉस के मेकर्स करवाना चाहते हैं और इसमें पूरी तरह से कामयाबी भी मिली बिग बॉस के मेकर्स को। बिग बॉस के मेकर्स ने जो गंदा खेल खेला इस बार वो पूरी तरह से कामयाब भी होते हुए नजर आए, क्योंकि इसके बाद दिग्विजय और रजत के बीच में बड़ी लड़ाई होती है और विवेन और दिग्विजय के बीच में बड़ी फाइट होती है। वाकई में बिग बॉस के मेकर्स इस बार बड़ा ही नाइंसाफी कर रहे हैं, बिग बॉस के मेकर्स बड़ा ही नाइंसाफी कर रहे हैं दिग्विजय के साथ, चाहत के साथ और साथ ही साथ करणवीर मेहरा के साथ तो पहले करते ही थे, लेकिन अब इन दोनों के साथ भी गेम जो है वो खेलना शुरू कर चुके हैं दोस्तों। सो कितने ज्यादा आप हैं एक्साइटेड, क्या आपको भी लगता है कि बिग बॉस के मेकर्स जो खेल खेल रहे हैं वो काफी गंदा है, तो कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात जरूर बताएं दोस्तों। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज की रिपोर्ट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी।